हाय फ्रेंड्स, आपण को डीओए एकेडमी को स्वागत। आज आम आम सिलेबस रे थिबा हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया एंड ओडिशा असहयोग आंदोलन विषय रे पढ़िबा। या पूर्व आम सिपाही विद्रोह विषय रे पढ़ते। जदि आपण से भिडियोटी देखी नाहांती ताहेले एही भिडियो रो तळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया जायछि, आपण सेतरे क्लिक करी देखि परबे। जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती तें चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करि दियंतु, जहा फळरे आमर चैनल ले जे कोनोसी नुवा वीडियो अपलोड होबो तारे नोटिफिकेशन आपन मन निकट रे पहुंचिबो। चलंतु क्लास स्टार्ट करबा। भारत रे असहयोग आंदोलन प्रथम एतला आमर खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कहले कोन ना, प्रथम विश्व युद्ध रे जेतले तुर्की मित्र शक्ति विरोध रे युद्ध करथिला, से युद्ध समय रे तुर्की साम्राज्य को विभाजित करा जायथिला। आ तुर्की रो तुर्की प्रति एमिति व्यवहार देखि कि भारत रो मुसलमान मानंकु दुख लागिला, आ से माने रागिले भी। तुर्की रो सुल्तान थिले सेतळे के ना मुसलमान धर्मगुरु खलीफा, तेणु से माने सुल्तान को समर्थन जनाई तांकर क्षमता हास विरुद्ध रे दुई अली भ्राता शौकत अली आउ हला मोहम्मद अली तांकर नेतृत्व रे से माने खिलाफत आंदोलन आरंभ करथिले। आंकु खिलाफत आंदोलन काहे कि कहा जायथिला, कारण खलीफा को समर्थन करिके ए आंदोलन करा जाउथिबार तांकु खिलाफत आंदोलन कहा गला। आंदोलन परिचालना पई खिलाफत गोटे कमिटी गठन करथिला, सेतरे दुई अली भ्राता व्यतीत मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम हजमल खान, हसरत मोहनी ए सब सदस्य थिले। आमर महात्मा गांधी हिंदू मुसलमान मान को एकत्र करिबा सहित जातीय आंदोलन रो भित्तिभूमि को दृढ़ करिया पई आंदोलन को समर्थन करथिले। आ 1919 नवंबर रे गांधी जी कोन करथिले ना, खिलाफत सम्मेलन रे सभापति भाबरे तांकु निर्वाचित करा जायथिला। आ तुर्की रो सुल्तान को अधीन रे जथेष्ट अंचल विशेष कर कि मुसलमान कर पवित्र स्थान गुडी को न रखिले सरकार को पर्जन आउ असहयोग करिबा पई सम्मेलन रे निष्पत्ति निया जायथिला से समय रे। नेक्स्ट एई जो धमकड़ा देले से धमक परे प्रथम विश्वयुद्ध परे तुर्की उपरे जो लदी दिया जायथिला जो सेभर्स चुक्ति, तार सुल्तान कर अधिकृत अनेक अंचल तांको अधीन रु काढ़ी निया जायथिला। आ गांधी जी कर परामर्श हिसाब रे निखिल भारत खिलाफत कमिटी असहयोग कार्यक्रम ग्रहण करके ना आंदोलन आरंभ करथिले। 1920 मसीहा जून 9 तारीख रे अलाहाबाद ठारे एक सर्वदल बैठक आलोचना करा जायथिला। एठारे गांधीजी को नेतृत्व रे खिलाफत कमिटी कहिथिला ना इंग्रेज सरकार सहित संपर्क छिन्न करिया पई निष्पत्ति निया जायथिला। आ मुस्लिम लीग भारतीय जातीय कांग्रेस रो खिलाफत आंदोलन को समर्थन करथिले। असहयोग आंदोलन केबे आरंभ होइथिला ना, असहयोग आंदोलन 1920 अगस्ट 1 तारीख रे आंदोलन होइथिला। आ सेई दिन पूर्वाह्न रे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकर देहांत होइ जाय। आ तिलकर जो वियोग जनित शोक पालन से सब समय रे समग्र देश रे हड़ताल आ शोभायात्रा संगठित होइथिला। असहयोग आंदोलन इंग्रेज सरकार विरोध रे महात्मा गांधी कर प्रथम गण आंदोलन थिला। एही आंदोलन रे ब्रिटिश साम्राज्य रो मूलत्वा दोहरी जाए। 1919 ख्रीष्टाब्द रे रावला ताइन जालियाना वाला हत्याकांड भली एमती किसी घटना गांधीजी इंग्रेज सरकार नैतिकता उपर विश्वास हरे। गांधीजी इंग्रेज सरकार सब प्रकार सहयोग छिन्न करके शांतिपूर्ण भाव अहिंसा उपाय रे असहयोग आंदोलन डाकरा देते। भारत शासन आईन 1919 रे त्रुटि अमृतसर घटना तदंत हंटर कमिटी विवरणी पक्षपातिता तथा भारतर मुसलमान इंग्रेज विरोधी खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन आह्वान को साकार करिवार सहायक होता। मुसलमान माने सेतेबेले महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन साहय करते। भारत शासन आईन रे कौन हितला ना, भारत शासन आईन 1919 मसीहा इंग्लैंड रो वैदेशिक सचिव सेतले थिले एडविन मट्टे, जे कौन करथिले ना भारत रो वायसराय लॉर्ड चेम्बर्सफोर्ड को द्वारा जो प्रस्तुत होइतला जो संविधान संस्कार गुडी को 1919 डिसेंबर 23 तारिख रो भारत शासन आईन 1919 नाम रे प्रचलित हैला। से समय रे मट्टे को चेम्बर्सफोर्ड को द्वारा जो प्रस्तुत होइतला सेटा 1919 डिसेंबर 23 थारु भारत शासन आईन
कार्यकारी परिषद जो थिला भारतीय संसद परिवर्तरे ब्रिटिश मंत्रिमंडल निकट उत्तरदायी रहिले आउ द्वितीय प्रादेशिक स्तर रे जो दैत शासन क्षमता व्यवस्था थिला ता हिसाब रे राज्यपाल अधीन रे जो रखा जायतिला विभाग गुडी कठारु अपेक्षाकृत कम गुरुत्व विभाग गुरुत्वपूर्ण विभाग मंत्रिमंडल अधीन रहिला आ तृतीय रे केंद्रीय प्रादेशिक व्यवस्थापक सभार सभ्य मानक पूर्वर थिबा मुसलमान संप्रदाय व्यतीत जो रहिले सिख आ ख्रिस्टियन तांकर निर्वाचन मंडली गठित हेला आ चतुर्थरे कौन हेला ना भोट दान अधिकार अधिक अधिकार को अधिक संकुचित करागला जोथरे कि भारतीय जातीय कांग्रेस से संस्कार गुडी को बा जथेष्ट बा संतुष्ट जनक नुह बोली सेमाने घोषणा कले आउ सेमाने गोटे शक्तिशाली स्वराज पाई दाबी करे हंटर कमिटी रिपोर्ट देखिबा हंटर कमिटी रिपोर्ट जालियाना वालाबाग हत्याकांड परे एक सरकारी तदंत पाई दाबी होबारु 1919 अक्टोबर 14 रे लॉर्ड हंटर कर नेतृत्व रे गोटे कमिटी गठन करा जायतिला सेठी देखा हला जे कमिटी गठन एक धुआ बाण थिला किंतु देखा हला कोन ना से कमिटी एक धुआ बाण प्रकृत रे जो लॉर्ड सभा जनरल डायर कर कार्य को अनुमोदन करथिला आ तांको पई जो ब्रिटिश जनसाधारण 30,000 पाउंड संग्रह करथिले एहा जानला परे भारतीय माने अत्यंत क्षुब्ध हेले 1920 सेप्टेम्बर 4-9 तारीख पर्यंत कलिकता ठारे से कौन कले ना कांग्रेस रे एक स्वतंत्र अधिवेशन अनुष्ठित करा गला आ से अधिवेशन रे गांधी जी का असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा तार निष्पत्ति भाबे गृहीत होला आ 1920 डिसेंबर मास रे नागपुर ठारे जो कांग्रेस रो वार्षिक अधिवेशन जो अनुमोदित होइतिला सेथरे गांधी जी बलिष्ठ नेतृत्व ग्रहण करथिले आउ तांकर से बलिष्ठ नेतृत्व रे असहयोग आंदोलन चालू रखिबा पई निष्पत्ति दिया जायथिला असहयोग आंदोलन रो कार्य कोन कोन थिला इंग्रज अनुष्ठान आउ विदेशी द्रव्य वर्जन थिला असहयोग आंदोलन रो मूल नीति प्रथम पर्याय कोन हला ना इंग्रज सरकार को अचल करिया पई कोन कोन सब करा जायथिला ना 1919 रा भारत शासन आईन अनुजाई अनुष्ठित हेबाकु थिबा निर्वाचन आउ तार सरकार उत्सव वर्जन कराला आउ समस्त प्रकार सरकारी उपाधि फेरस्त आउ सरकारी पदवी रु इस्तफा देले आईनजीवी द्वारा विचारालय वर्जन कराला आउ छात्र मान द्वारा सरकारी विद्यालय आउ महाविद्यालय वर्जन करथिले आउ चारे कोन ना विदेशी द्रव्य तथा विदेशी लुगा वर्जन करा जायथिला याकु छाड़ दिले केतेक गठनमूलक कार्यक्रम ग्रहण करिया पई स्थिर करा जायथिला सेगुडी को कोन हेथिला ना जोटा कि हमर खद्दी ग्रामोद्योगर प्रसार हिंदू आउ मुसलमान को भितरे जो एकता सृष्टि अस्पृश्यता निराकरण जातीय शिक्षानुष्ठान स्थापन ए सबु ग्रहण करा जायथिला आउ अल्प समय भितरे ए जो आंदोलन रो बंधी समग्र भारत रे विस्तार लाभ करथिला साधारण जनता कोन करे ना प्रथम थर पई बहु संख्या रे एही आंदोलन रे योगदान कले आउ गांधी जी को डाकर रे के सब आसी के तांको जोग देथिले मोतीलाल नेहरू आउ चित्तरंजन दास एमारे सब कोन करथिले ना तांकर बारिस्टरी आईन व्यवसाय को त्याग करके आसी के जोग देथिले आउ विशिष्ट व्यक्ति सरकारी चाकरी रु भी इस्तफा देथिले चक्रवर्ती राजगोपालचारी वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस गोपबंधु दास को भली बहु व्यक्ति असहयोग आंदोलन रे जोगदले मान सब असहयोग आंदोलन रे जोग देथिले आ बहु संख्या रे लोक कारावरण भी करथिले से समय रे गोटे तिलक स्वराज पार्टी गठन करे जायथिले सेतरे जो आंदोलन को जो माने अर्थ देबा को चाहिबे से पांठी रे से माने मुक्त हस्त रे दान करथिले आ सेतरे केते टंका जमा हे किथिला ना सेति अल्प दिन भीतर गोटे कोटी टंका जमा हे जायथिला ए समय रे सत्यग्रही मानक द्वारा वेल्सर युवराजा को भारत परिदर्शन को बासंत करा जायथिला आ सरकार को सहित जो जनसाधारण को असहयोग इंग्रज मूलतः को दोले दोहले देथिला 1921 ख्रिस्टाब्द डिसेंबर मास रे कांग्रेस रो अहमदाबाद वार्षिक अधिवेशन रे असहयोग आंदोलन चालू रखिबा निमन्ते निष्पत्ति नियागल असहयोग आंदोलन रो व्यापकता इंग्रज मान मध्य भय सृष्टि कला तेणु सरकार कौन कले ना ताकू दमन करिया पई चेष्टा कले आ गांधी जी को छाड़ देले अन्य विशिष्ट लोक मान को भी कारादंड दंडित कराइथिला से गांधी जी भी इंग्रेज सरकार को 1922 फेब्रुआरी 1 तारीख रे चेतावनी देले जे 7 दिन भीतर समस्त राजनैतिक दल को मुक्त करान गले ओ संवाद पत्र को पूर्ण स्वाधीनता दियान गले से आईन अमान्य आंदोलन करिवे किंतु गांधी जी चेतावनी कार्यकारी हवा पूर्व
एक अभावनीय घटना घटिला कौन ना 1922 फेब्रुआरी 5 तारीख रे कौन घटिला ना 1922 फेब्रुआरी 5 तारीख रे उत्तर प्रदेश रा गोरखपुर अंचलस्थ चौरी चौरा नामक स्थान रे उत्त्यक्त आंदोलनकारी माने कौन करथिले ना पुलिस स्टेशन रे निया लगाइ दिथिले जहाँ फल रे 22 पुलिस जना पुलिस कर्मचारी जीवन तो दग्ध हो जाते से जो हिंसात्मक घटना गांधीजी को बहुत दुख देता से अनुभव कले कि भारतीय माने अहिंसा उपाय रे आंदोलन करने को संपूर्ण रूपे प्रस्तुत नहांती तेणु से कहा सहित परामर्श न करके कौन कले ना असहयोग आंदोलन को स्थगित रखा पाई घोषणा करदे आ फेब्रुआरी 12 तारीख रे से कौन कले ना कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक रे आंदोलन स्थगित घोषणा कले आ से जो निष्पत्ति अन्य सब जो कांग्रेस नेता मैंने थे स्तब्ध कर देता सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन स्थगित निष्पत्ति को एक जातीय विपर्यय भाव में वर्णना तार फलाफल कौन है ना 1922 मार्च 10 तारीख रे गांधीजी को गिरफ्त करा जाय कि 6 वर्ष जेल दंड दिया जाय थिला आ से आंदोलन स्थगित होई थिला सत किंतु आंदोलन रो जो प्रभाव थिला सेटा सुदूर प्रसारी थिला प्रथम थर पर इंग्रेज सरकार विरोधी आंदोलन संगठित भावे परिचालित होइतिला आउ एक भविष्यत विप्लव पई भारतवासी को उत्साहित कर प्रथम थर पर कांग्रेस आंदोलन जन आंदोलन रु गण आंदोलन रे परिणत होई पारे 1922 रे मुस्तफा कमाल पाशा को नेतृत्व रे तुर्की रे साधारणतंत्र प्रतिष्ठित हेबा द्वारा सेठारे खलीफा व्यवस्था रा उच्छेद करा गला फळरे खिलाफत आंदोलन रा जोक्तिकता रहिला ना जेतेबेले असहयोग आंदोलन स्थगित रखा जायतिला तापरे भारत रे खिलाफत आंदोलन रे भी अवसान घटला स्वाधीनता आंदोलन रा प्रथम शक्त धक्का को इंग्रेज सरकार बर्दाश्त करथिला सत किंतु तार परवर्ती पर्याय रे संकल्पबद्ध भारतीय मानकर जो सम्मुखीन हेबा जको इंग्रेज सरकार को बहु कष्ट सहिबा को पड़थिला ओडिसा रे असहयोग आंदोलन रा प्रभाव असहयोग आंदोलन द्वारा ओडिसा रे कोन प्रभाव पड़थिला समग्र भारत रे असहयोग आंदोलन चालीथिबा बेले ओडिसा एही महाश्रोत रु बात पन्नथिला आमर रहुचंदे किए ना गोपबंधु चौधरी भागीरथी महापात्र निरंजन पटनायक जदुमणि मंगराज हरे कृष्ण महाताप एमाने सब नेता थिले एही जो नेता थिले सेमाने आंदोलन को सफल करिया पई बहुत चेष्टा करथिले आउ गांधीजी कर जो ओडिसा को आगमन एही जो आंदोलन रो जो गति थिला ताकू क्षिप्रतर कर देथिला 1920 डिसेंबर रे नागपुर रे कांग्रेस अधिवेशन रे ओडिसा रा 35 जन प्रतिनिधि जोग देथिले से अधिवेशन रु फेरी गोपबंधु दास 1921 जनवरी 24 रे कटक रे छात्र मान बंधन देथिले एवं ओडिसा रे असहयोग आंदोलन संगठित करथिले 1921 मार्च रे तांकर जो उद्यम रे ओडिसा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठित होइथिला आउ तार प्रथम सभापति आउ कमिटी रा संपादक सेई कमिटी रा संपादक थिले के ना भागीरथी असहयोग आंदोलन को ओडिसा रे लोकाभिमुखी करबा पई 1921 रे महात्मा गांधी ओडिसा आसथिले आउ 1921 मार्च 23 रे से कटक थारे विशाल जनसमावेश को उद्बोधन देथिले गांधीजी उद्बोधन रे अनुप्राणित हुई रमा देवी समेत बहु नारी सेमानकर अलंकार तिलक स्वराज पांठि को दान करथिले एहा परे गांधी भद्रक पुरी ब्रह्मपुर ठारे उद्बोधन दे ओडिसा वासी मन रे जातीय उन्मादना सृष्टि कर आ खदीर व्यवहार चरखार प्रचलन स्वदेशी द्रव्य प्रति आग्रह उपरे से गुरुत्व देथिले एही ओडिसा रे जो असहयोग आंदोलन थिला तार कार्यक्रम गुडी को कोन थिला ना ओडिसा रे असहयोग आंदोलन को सफल करिया पई बहुत गुडे कार्यक्रम करा जेथिला से गुडी को कोन कोन ना ब्रिटिश द्रव्य कोर्ट कचेरी शिक्षानुष्ठान ताकू बर्जन करा हेथिला खदीर व्यवहार चरखार प्रचलन करा जेथिला हिंदू आ मुसलमान को भितरे एकता भाव सृष्टि हेथिला अस्पृश्यता निराकरण आउ निशा निवारण करा जायथिला आउ जातीय शिक्षार प्रचलन तार अग्रगति किपरि थिला 1921 अगस्त 3 तारिख रे पुरी ठारे विदेशी वस्त्र गुडी करे अग्नि संयोग करा जायथिला आउ अगस्त 11 आउ 14 तारिख रे कटक ठारे जनसाधारण कोन करथिले ना विदेशी लुगा को पोडी देथिले कलिकता रे लुगा कळ रे जो काम करथिले ओडिया श्रमिक माने दोकान गुडी को विदेश लुगा पेटी दबा को
ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇକି ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ପଦପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି କିଏ କିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ, ମହମ୍ମଦ ହନିଫ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଣ୍ଡା, ସେମାନେ ଏମାନେ ସବୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଚାକିରିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଟବର, ଗଡ଼ତିଆ, ରାମନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଭାଗିରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ସେମାନଙ୍କର ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଓ ପୁରୀଠାରେ ସେମାନେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଛାଡିକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଏସବୁ ଯୁବକମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା କଲେଜ ଛାଡିକି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କଣ କରିଥିଲେ ନା କଟକ ମେଡିକାଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1919ରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଲି ପରିଣତ। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କଟକ ଠାରେ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯେମିତିକି ସୂତାକଟା, ଲୁଗା ବୁଣିବା ଏସବୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆଉ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସେବକ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ନାମକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ପଢିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜ ଜାତୀୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ କଣ ରହିଲା ନା ସରକାରଙ୍କର ଦମନ ଲୀଳା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର କଣ କଲେ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ଚାଳନା, ବେତ୍ରାଘାତ ଏସବୁ ଉପାୟକୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଆପଣେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଶହ ଶହ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ମଥୁରା ମୋହନ, ବେହେରା, କାମରୁଦ୍ଦିନ ହକ୍, ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ 1 ମାସ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଛାପିଥିବାରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ର ପ୍ରେସକୁ 25 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଚୋରି ଚୋରା ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇକି ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇକି କନିକାର ପ୍ରଜାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଆଉ କନିକାର ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗୁଳି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସମାଜ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ମାଧ୍ୟମରେ କନିକା ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଠାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ ଭାଗିରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ହଜାରୀବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଲୋକଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ନୈତିକତା ଆଉ ନିଷ୍ଠାପରତାର ବିଜୟ ବପନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକତା ଆଉ ନିଷ୍ଠାପରତାର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲେ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବେନିଫିଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।